तेरे प्यार में अपन की कायज बदल गई है। अरे देखना कितनी दाढ़ी बढ़ गई अपनी। आई लव यू माया। ए माया एक बार हाँ तो बोल, अपन दाढ़ी बनवा लेगा। आई लव यू मायू। आई लव यू बोल डाल। तूने जो बोलना था बोल दिया, मेरे को जो बोलना है वो मैं कल तेरे से बोलेगी। अपन इधर ही तेरा वेट करेगा बिकॉज आई लव यू। अपन का फोन किधर है? हे कौन बे? हिम्मत है तो सामने आ, मैं बहुत मारूंगा। सामने आ बे। कौन है? बुढ़िया क्या ये जंग खाए मोटर पंप जैसी आवाज निकाल रही हो? ऐसे खांस रही हो जैसे गले में डायनासोर अटक गया। हाँ, तुम्हारे खराटे तो ऐसे हैं जैसे तानसेन की मल्हार। ऐसा लग रहा था नाले में जंगली सुअर नहा रहा हो। फिर से मुझे डिस्टर्ब किया ना तो तेरी खांसी की दवाई में साइनाइड मिला दूंगा। हाँ इतना बड़ा नृत्य सम्राट हूँ मैं, लेकिन घर में दो कौड़ी की इज्जत नहीं है। क्या यार अब ये कहाँ से आ गया? मुझ पे बहुत रुबाब झाड़ते हो ना, अगर एक बाप की औलाद हो तो जाओ उसे वहाँ से भगा के दिखाओ। What the injection is going on here? तुम्हारे गाने से वायरस फैल रहा है, तुम लोगों को बेहोशी का इंजेक्शन दे दूंगा। अरे डॉक्टर तेरी किडनी निकाल के घास फूस डाल के सील दूंगा, समझा क्या? काय बोलते रे बाबा। मामा इसको दवाई की रेसिपी दे। एक 2 बूंद संडे का तेल हथेली पे ले, फिर उस पे काला नमक छिड़क और फिर नई रेसिपी बना रहा था। इतनी तेज तेज बोल रहे हो, बेचा घूम गया। ऐसा क्या चटनी की? गुरुदेव गुरुदेव आ गया आ गया। देखो क्या चल रहा है। क्या गुरुदेव अंदर सुर से सुर मिला रहे थे क्या? इन लोगों के शोर से कान में हरनिया हो गया है। अशु कितना अच्छा बजाता है, मैंने तो सिखाया इसे, है ना अशु? हाय गुरुदेव। क्या रे मैंने इतना सिखाया तूने बदले में कुछ नहीं दिया। बदले में मैं तुम्हें पुंगी बजाना सिखाऊंगा। मामा ही मेरा होल एंड सोल है। तेरे को मालूम है क्या, मेरा मामा मेरे को 12 से 72 इंच का बनाया। तो मैं मामा का सुनूं या तेरे जैसे गुड़ घंटाल का सुनूं? खाने गया तो मेरा मुंह धोया, नहाने गया तो मेरा कपड़ा धोया, और जब मैं बाथरूम। बीप में मत जा वरना बीप आ जाएगी। मैं स्मार्ट मामा। अरे इनकी वजह से ही आज हम सब मिलकर रहते हैं गुरुदेव। मामा ने मेरे को पी के जीना सिखाया, इस जालिम दुनिया से लड़ना सिखाया। हाँ। मामा ने मेरे को रिक्शा दिया, खोली दिया। आज उसका बर्थडे है तो उसे खुशी नहीं दूं? ए भेड़कम भेड़कम। ए इतनी बात नहीं पा रही है रे। क्या चिराइन चल रही है रे? ऑटो रिक्शा प्रेसिडेंट इलेक्शन में हार जाने पर तू इतना चिल्ला रहा है। रोज मैं बीवी से झगड़े में हारता हूँ तो मुझे कितना चिल्लाना चाहिए? ज्यादा बोलेगा ना तो तेरी लूंगी फाड़ देगी। फाड़ ही नहीं सकती, चट्टा पे आना होगा। रघु तेरी राग पट्टी बाद में, अभी अश्विन का गाना सुनेंगे ठुमका लगा के। गुरुजी के पेट में कुत्ते दौड़ रहे हैं, जल्दी से डोसा दे रहे हैं। ससु माँ, ये प्रेग्नेंट आदमी को दोसा देना। ए, तेरी आंखों में सांभर क्या है क्या? मैं प्रेग्नेंट नहीं, प्रेसिडेंट हूँ बस्ती का। ये पेट देख के तो कोई भी बोलेगा कि तुम 6 महीने से प्रेग्नेंट हो। ए, ऐसे क्या घूर रहा है? ये आलिया भट्ट नहीं है, डोसा है। अपना खरीद के खाना भूख। मैंने डोसे पे नजर लगा दी है। अरे लकवा कुमार, 5 स्टार से मेरा खाना मंगा। उतना हेलो बाबा का ढाबा, फटाक से अंडे की जगह गुलाब जामुन देने वाला चिकन बना के लेके आना जल्दी। ये भाई ये रुकना, ये खजूर रुकना यार, ये चड्डी तेरे से काम है। ये थोपड़ा कभी देखा है क्या? ये फोटो देख के भूत पिशाच खबीज सब भाग जाते हैं। इसके साथ बिजनेस करने वाला है क्या तू? तेरे को उससे क्या मतलब? मेरी ये खूबसूरत भांजी है और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और ये लड़का बहुत हार्ड है, दोनों का कुछ ही को करना है। हाय मेरा हृदय, कूले पे इंजेक्शन लगाया, मजा तो आया ना? ए, गंदी बात मत कर मुझसे। हाँ एक खोजी। हाँ बोलो। तुझे अपनी भांजी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए और कोई नहीं मिला? अरे गुरुजी, इससे बढ़िया छोकरा मेरी भांजी को मिलेगा ही नहीं। उस दिन मंदिर में इसका कारनामा देख के मैं तो फ्लैट हो गया। बेटी ललिता, ललिता। स्वामी जी आपने मेरी बेटी को देखा? नहीं देखा स्वामी। ललिता, स्वामी जी मेरी बेटी कहीं नजर नहीं आ रही। उसे कहाँ छोड़ा था? स्वामी जी मैं उसे यहीं छोड़ कर गया था, पता नहीं कहाँ चली गई। घबराओ नहीं, मैं इधर ढूंढता हूँ, तुम जाके उधर ढूंढो। हाँ, आप भी ढूंढिए। ललिता, हे भगवान, हे प्रभु, मुझे मेरी बच्ची मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पापा? ललिता, पापा। मेरी बच्ची मुझे छोड़ के कहाँ चली गई थी? मैं आपको ढूंढते ढूंढते रोड तक चली गई थी पापा, पता नहीं अचानक कैसे एक बड़ा सा ट्रक आ गया। तभी एक स्वामी ने मेरा हाथ खींच के मुझे बचा लिया। स्वामी ने? कहाँ है वो? वो रहे वहाँ। अय्यप्पा देवाय नमः, अभय स्वरूपाय नमः, हरिहर सुपुत्राय नमः, करुणा समुद्राय नमः, निज धीर गंभीर। स्वामी आपने मेरी बेटी की जान बचाई, मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा? बचाने वाला मैं कौन? जिसने सबको पैदा किया है वही हम सबको बचाता है। गॉड ब्लेस यू अंकल। उसका आले नाक को ना तुम लोग नाग देवता मत समझो, किसी दिन डंक मारेगा ना तब समझ में आएगा। करेक्ट, उसके माथे पे टीका और गले में रुद्राक्ष देखकर तुम लोग झांसे में आ गए। उसका असली रूप देखोगे तो तुम्हारे तो। अबे निगम सोनू, मुझसे सुर मिलाएगा? अरे YouTube पे मेरे गाने का चैनल है, 500 व्यूवर है और तू मुझसे सुर मिलाएगा? आजा सुरों का मुकाबला हो जाए। जिस तरह कुत्ता भगा ना उस तरह अपन तुम लोगों को भी भगाएगा। देख लिया ना, कुत्ता भी मुंह नहीं लगाता उसको। क्या रे, जिस तरह तुम लोग मेरी भांजी के होने वाले पति के खिलाफ अनाप शनाप बकवास कर रहे हो, अगर वो इतना ही बुरा है तो उसने रुद्राक्ष की माला क्यों पहनी? उस रुद्राक्ष की मालाओं के पीछे 2 माले जितनी लंबी कहानी है। वो माला उनके गले में हमने डाली थी ताकि माला पहन के उनका मुँह काला ना हो। स्वामी जी नमस्ते। स्वामी किसको बोला? ए बाजे, तेरे गले में माला है? अरे मामा तेरे गले में भी है? माला अब समझ आला, कॉलोनी वालों ने ये माला डाला। अरे क्यों हम भोले बेवड़ों को सुधारना चाहते हो? दिन में सिर्फ 5 ही बोतल पीते हैं, ये बात भी तुम्हें हजम नहीं होती? अरे बेवड़े ये तो देश चला रहे, अगर बेवड़े दारू नहीं पियेंगे तो टैक्स कहाँ से आएगा? अरे इस देश का विकास कैसे होगा? भांजे उतार डाल, और उतार के कहीं पर अच्छे से रख दे। अगर तुम लोगों ने माला उतार दी तो अनर्थ हो जाएगा। ये फूल माला नहीं है, ये अभिमंत्रित माला है। अगर ये माला अपने गले से उतार दी तो तुम लोगों के पीने के नहीं चखने के भी वांदे हो जाएंगे, बर्बाद हो जाओगे तुम लोग। अरे ये सच बोल रही हैं, फेंक रही हैं? अपनी तरह समझाए क्या? कोई जुगाड़ है? 40 दिन तक तुम्हें पवित्र रहना होगा, अगर नियम तोड़ा तो तुम्हारा पड़ोसी मर जाएगा। चलेगा मामा। अरे मैया रे, सांस चल रही है क्या? मामा निशाना सही था, बच गया भैंसा। अब नहीं बचेगा, चार आदमी को बुला लो। रहने दे, मैं जा रहा हूँ। मालूम है तेरे को, वो पहले से शादीशुदा है, पहली बीवी को घासलेट डाल के जलाया था। हाँ? चिचा, अपनी भांजी की जिंदगी बर्बाद करना चाहोगे? नहीं नहीं, कभी नहीं। आज उसके रिश्ते तोड़ने की सेंचुरी पूरी हो गई। देवा रे देवा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। हाय, पहले से ठीक लग रहा है ना? मिस माया, तुम्हें सुई लगानी है। हाँ? तुमने अगर इसे सुई लगा दी हो तो प्लीज कम टू माय रूम। ओके सर। और अकेले आना। हाँ, मैं अब भी आती है। हाँ? नकल कर करके एमबीबीएस का झूठा सर्टिफिकेट तो ले लिया, पर प्यार के एग्जाम में सच्ची फीलिंग्स नहीं बता पा रहा। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस का कीड़ा नहीं है, हिम्मत का ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। यस डॉक्टर, ऑपरेशन सक्सेस होगा। यस माया, आई लव यू। नको नको, फीलिंग के साथ। माया, इस संतरे से भी रसीला मेरा प्यार है। संतरा छोटा है, इंग्लिश स्टाइल। माया, आई लव यू। तुम लोग नाई की कैंची नहीं हो, इज्जतदार डॉक्टर की कैंचियां हो, इसलिए खामोश रहो। सॉरी। हाँ मम्मा, माया आई लव यू। माया, माया का अर्जेंट कॉल आया इसलिए उसे जाना पड़ा। उसने कहा मैं आपको बता दूं। छे, फिर से चांस मिस कर दिया। आई शपथ। ए शराफत की चादर में लिपटे हुए उठो रे। तुम्हारी आंख में सुअर का बाल है क्या? मेरा बसता हुआ घर देखा नहीं गया तुमसे। थुआ तुम्हारे मुंह पे। आज आपुन तुम्हारे कान में उंगली डाल के तुम्हारा सुकून छीन लेगा। ये क्या करेगा? देवा! अरे बाप रे, ईद, दिवाली और क्रिसमस सब एक साथ। क्या बोल रहा है मेलिया? ओए देवा, करे तेरा तार फट जाए। पर्दे फट जाएंगे रे। कर्टन फट गया। बेचारे गुरुजी ऑटो के शोर में रात भर सो नहीं पाए। देखो योगा में कैसे बड़े बड़े खर्राटे ले रहे हैं। टॉर्चर तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ती का नाम दाढ़ी की तरह। किसी को तो कैंची चलानी ही पड़ेगी ना। उसकी वजह से कान का कर्टन फट गया, सोने तक को नहीं मिला। ये कुड़कुड़ करने से कुछ नहीं होएगा, जड़ से इलाज करना पड़ेगा। इससे पहले कि पूरी बस्ती में वायरस फैले, इसका वैक्सीन अपन को बनाना पड़ेगा। करेक्ट। इसके लिए इतना बड़ा इंजेक्शन बनाऊंगा कि आर पार हो जाएगा। हाँ, जल्दी बनाओ। जो खर्चा होएगा मैं दूंगा। हाँ, मोटा वाला बनाना। हाँ, वही जो अपन लोग भैंस को देते हैं। अजी सुनो। आज तो बोल डालूंगा। माया, बहुत ही अर्जेंट जरूरी बात करनी है। बोलिए ना सर। मेरे को सर मत बुलाओ, मेरा सर चकराता है। शशि बुलाओ। बोलो शशि। माया, दिल छलनी हो गया। 1 सेकेंड। मेरी पेशेंट बनोगी। माया, आई लव यू। इधर मेरे को डेंजर लग रहा है, तुम यहाँ से जाओ शशि। नको। तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ, निकल जाओ जल्दी। गो। आई लव यू। अरे मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मेरा दिल कमजोर है। अरे हार्ट अटैक आ जाएगा। निकालो निकालो, बाहर निकालो। अगर तूने इस कुंवारी लड़की पे नजर डाली तो तेरी आंखें बूझ होंगी। ऑटो दारावी चलो। क्या रे, मेरे भाई ने तेरे को आई लव यू बोला तो तूने उसे पिटवाया। किसी के बाप से डरने का नहीं, ऐसा अपन का बाप बोलता था। जाके चुम्मी ले। कौन है रे तू? खुद को राउडी समझ रहा है क्या? क्या राउडी? और मैं? नहीं रे बाबा, अपन बहुत शरीफ आदमी है। शराफत से अपन इसको घर लेके जा रहे थे और तुम लोग ट्रैफिक हवलदार बन के आके रास्ता जाम कर दिए। ले ये भाई, अपन गुंडावादी नहीं है, गांधीवादी है। ये जाने देना भाई, तेरी माँ को भगवान लंबी उम्र दे। मैडम, माँ का नाम लेते ही माँ के लाडले मान के चलो। लात खाया हुआ आदमी किसी को लात नहीं मारता यार। इसे छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो इसको। ऐसा मत करो, मत करो ऐसा प्लीज। दूध के दांत गिरते ही सब अपने आप को गुंडा समझने लगते हैं। ए, शुरू हो जा। नहीं। छोड़ दो। माया को प्रोटेक्शन देने के लिए मुझे गांव ट्रैवल करना पड़ता है। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अगर तूने इस कुंवारी लड़की पे नजर डाली तो तेरी आंखें नोच लूंगी। यहाँ से कल्टी मार, कल्टी मार। राजू रोक उसे। मेरे किरेपान पे हाथ डाला। What's your name? बिल्ला। बिल्ला, फिर किसी लड़की को छेड़ा तो ठोक दूंगा खिल्ला। आज वो अश्विन नहीं है तो कितनी शांति है ना। हाँ सही है। अरे गुरुदेव, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। मुझे अकेला मत छोड़ना। मेरे को फट्टे में टांग डालने की आदत नहीं है। मैं जा रहा हूँ। ए कल्लू कुरमुरे, तू भी आ रहे? हाँ आ रहा हूँ ना। कहाँ फंस गया रे? क्या सेवा करूँ अश्शु? अरे गुरुदेव पता नहीं अचानक हाथ में सूजन आ गया। जा डॉक्टर को बुला ना। अभी तो मैं मंदिर जा रहा हूँ। अगर लेट पहुँचूंगा तो प्रसाद मिस, आरती मिस हो जाएगी ना। क्या बोला? आपुन ने तेरे को वोट दे के बस्ती का प्रेसिडेंट बनाया और तू आपुन की रामोगिरी नहीं करेगा। चल मेरा वोट वापस कर। हेलो, What the capsule is going on here? My problem is very hard. क्या बताओ, रात से इतना पेनिंग कर रहे ले, बोले तो दुख रहे ले। चेक करने दो। यार ये बगल के बाल बनाएगा क्या? मैं नाई थोड़ी हूँ। चल चल चेक कर। यहाँ दर्द हो रहा है? हाँ हो रहा है। अब हो रहा है? हो रहा है। अब हो रहा है। अब इसको दर्द होगा। सॉरी डॉक्टर, दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए चिपका दिया। आंवला, मुलेटी और मुटली का घोल पियो। दिन में 6 बार, दर्द कम होगा। ए गामड़िया, लगता है तेरे को ज्यादा दर्द है। वो घोल तू ही घटागा। तेरा थप्पड़ पड़ा मेरे काल पे, लेकिन दर्द दिल में हुआ है। शशि, अपसेट लग रहा है। तुम मेरी धर्म पत्नी हो क्या? डोंट कॉल मी शशि। वो क्या सर? केबिन में आकर मिलो। हे माया, सुगमानो। मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ। तू बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू यार। तुम माया को जानती हो? हाँ अच्छी तरह से। अरे वो भी केरला से ही है। उसके पिताजी का नाम एवेंजर गरुड़ा है। वो बहुत बड़ी जादुई शक्ति के मालिक हैं, लेकिन उन्होंने अपने जादू से माया को प्रोटेक्ट किया है। अगर तूने इस लड़की पे नजर डाली तो तेरी आंखें नोच होंगी। बेटा तू गया। ए मामा। बोल भांजे। वो बांगड़ू डॉक्टर को बोल दर्द अभी तक कम नहीं हुआ। अरे कम कैसे होगा, जब ड्राइवर डॉक्टर बनेगा तो यही होगा ना। एक्सक्यूज मी। आयला उस दिन 28 का मीटर हुआ था तो 30 देके गई थी, वही 2 रुपया वापस लेने आई है। मैडम 2 रुपया ना। मैं 2 रुपए लेने को नहीं आई, मैं थेरेपी देने को आई। अरे वाह, जल्दी दे दो, गर्मा गर्म खाने में मजा आएगा। अयो फिजियो मतलब खाने का चीज नहीं, ट्रीटमेंट। तुम लोग ड्रिंक पीता है क्या? अच्छा, हम तो छाछ पीते हैं। तो ये बॉटल्स किस लिए? अच्छा ये जब छाछ ज्यादा हो जाती है तो दारू से उतारा करते हैं। कब से दर्द हो रहा है? रात को तुम ऑटो में बैठे ना तब से दुख रहे। ओह, और रात को तुम सोया कि नहीं? अरे एकदम दबा के, जांगिया मुंह पे लुंगी का पता ही नहीं। डॉक्टर और वकील से कुछ भी नहीं छुपाते, इसलिए खुल के बोल डाला। मेरा पूछने का मतलब था कि रात को कौन सा करवट लेके सोता है, इससे मेरे को तुम्हारा ट्रीटमेंट करने में मदद मिलेगा। अरे रात को होश में सोएगा तभी तो बताएगा ना। जब ये बियर पीता है तो बार में सो जाता है, जब विस्की पीता है तो गटर में लुढ़क जाता है, और जब रम पीता है तो रोड पे सो जाता है। कॉकटेल पीता है तो ऑटो में सोता है। ओके, इधर गर्म पानी मिलेगा? ब्रांडी के साथ चलेगा या फिर रम के साथ लाऊं? टोटल नॉनसेंस। कौन है? अरे माचिस किधर है? अगरबत्ती के पास। अयो माँ। कंटिन्यू हॉस्पिटल आके ट्रीटमेंट करवाना, पेन चला जाएगा। ओके, सी यू टुमारो। बाय। हेलो माय डियर मेडिसिन, तुम यही जानना चाहते हो ना कि वो लड़की उसके घर क्यों आई है? तुझे मालूम है क्या? उसे उस सड़ेले के घर पे मैंने ही भेजा है। ये पार्ट टाइम में ये सब करता है। बिना सिरिंज के उसने हमारा बहुत खून चूसा है। अब हम उसका खून चूसकर ब्लड बैंक को बेचेंगे। प्लान क्या है तेरा? एक बार उसने उसका एक्सरे कर लिया तो लड़की उसको स्ट्रेचर पर लेटा देगी और फिर पोस्टमार्टम। आई लव यू बोलने से कोई मरता है क्या? पता है उस लड़की का बाप कौन है? राउडी है क्या? कोई बड़ा नेता है क्या? शैतानों का बाप दादा। स्वामी, आपके दर्शन के लिए ये लोग बहुत लंबे से आए हैं। बरसों की मिन्नतों के बाद एक बेटी हुई थी स्वामी, उसकी शादी की उम्र हुई और वो हमें छोड़कर चली गई। पता नहीं है उसके साथ क्या हुआ, उसी का कारण जानने हम आपके पास आए हैं स्वामी जी। स्वामी का बॉडी इधर है, लेकिन आत्मा तुम्हारी बेटी को ढूंढने गया है। इनका कपकपी देख के तुम लोग डरने का नहीं। हाँ अपनी हवस की आग बुझाने के चक्कर में उसकी जिंदगी का चिराग बुझा दिया उन्होंने। उसकी आत्मा तड़प रही है, अपनी मृत्यु का बदला लेना चाहती है। वो एक खून के बदले उन चारों को मौत के घाट उतारने के लिए बेचैन है। किसी को मत छोड़ना, सबको मार देना गरुड़ा महाराज। इस आने वाली अमावस्या को वो चारों इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेंगे। टेंशन मत ले, मैं देखता हूँ जाके। डॉक्टर सुजाना, मेरी पीठ खुजाना। व्हाट? मैं बन गया हूँ तेरा दीवाना। मामा स्कैन मत कर, तेरा एक्सरे निकाल लेगी। अरे दाढ़ी भाई, कब पधारे इधर? अभी अभी। अरे सुजाना, इनका हाथ सूज गया है, तुम इन्हें फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में लेकर जाओ। मैं राउंड लेकर आता हूँ। अपना वाला राउंड। हेलो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ समझे, आ जाओ। अरे माया, तुम यहाँ हो? अश्विन को ट्रीटमेंट कौन देगा? अश्विन को जूनियर डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं सर। नो 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 नो, पेशेंट लाइक्स गुड लुकिंग डॉक्टर, तुम ही उसे ट्रीटमेंट दोगी। ओके सर। एक मिनट, फॉर बेटर रिजल्ट उसका दारू, चकना, सिगरेट सब बंद करवा दो। ये डायलॉग तो हम लोग सबको चिपकाते हैं ना सर। मेरा इंजेक्शन नहीं, मेरा इंटेंशन समझो, इसे स्पेशल केस समझकर जरा दिल से ट्रीट करो, क्योंकि वो पड़ोसी मेरा नेबर है। ओके सर। व्हाट लागली? परी को देखने आया था, लॉरी मिल गई। बहुत हो गया। साइलेंस। चित्रा, इनको मैं ट्रीट करती। ओके। अरे वाह मामा। बालिका वधू में कितनी छोटी थी, कितनी बड़ी हो गई। हाय अश्विन, पेन हो रहा है क्या? रोज सुबह उठते ही हाथ को ऐसे ऊपर नीचे करने का, ऐसा करेगा तो तुम्हारा पेन चला जाएगा। एंड वन मोर थिंग, जब तक ट्रीटमेंट हो रहा है ड्रिंक को हाथ नहीं लगाने का। मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने हाथ से इसको पिला दूंगा। अश्विन, मैं तुमको अपना समझ के बोल रही है। ड्रिंक करने से तुमको साइड इफेक्ट भी हो सकता है, लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा, शुगर, कोलेस्ट्रॉल अप डाउन हो सकता है, और तो और हार्ट अटैक आने के भी चांसेस है। माया, इतनी छोटी सी सूजन के लिए इतनी बड़ी उलझन, तुम्हें कितनी फिक्र है अश्विन। डॉक्टर आप ही तो। मैं समझता हूँ बाबा, इतने प्यार और मुलायम हाथों से कौन सी डॉक्टर ट्रीट करती है। तुम्हारी बीमारी सच में बहुत लकी है अश्विन। लगे रहो, लगाते रहो इंजेक्शन। खिड़की बंद करना मामो। लव यू। कंटिन्यू कंटिन्यू। अरे फोन पे थोड़ी देख रही है पीले। अरे क्या कर रहा है? अच्छा 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 चलो। अरे खाला को पीछे बिठा दो आराम से। आगे बैठ जाओ। चल चल चल। बोलो अश्विन, क्या बोलना था तुमको? वो ऐसे शर्म आने से काम नहीं चलने वाला। बताओ मैटर क्या है? वो क्या है ना कि पहले मेरे हाथ में खून लगा रहने का। क्यों? बोले तो गुस्से पे आप उनकी कमांड नहीं रहती थी, जो भी मिला तो उसको अपन धूपर डालने का। पहले अपन शेर माफिक था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद अपन पोमेरियन माफिक हो गया। बचपन में बहुत सुना था कि पहला प्यार बहुत हार्ड होता है, आज देख भी रह। पहले आप उनकी लाइफ ऐसी थी जैसे की बिना चटनी या सांबर के इडली। जिंदगी एकदम झंड थी। वो क्या है ना कि बचपन से अपन की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अपन तेरे को फर्स्ट टाइम देखा ना तो ऐसा लगा कि वो कमी पूरी हो गई। तू अपन की जिंदगी में खुशबू बन के आई है, अपन तेरे को फूल की तरह रखेगा। मैं तुमको बोलने को भूल गया, मैं कल केरला जा रहा है, आके बात करेगा। हेलो मैडम, ये इलेक्शन का रिजल्ट नहीं है कि एक महीना रुकू मैं? अरे हाँ बोल के अपनी पार्टी को जिता के सरकार बना डालो ना। अश्विन, एक ही महीने की बात है, मैं वापस आके बोलेगी। अपन समझ गया, तूने अपन को पति मान लिया है, लेकिन बोलने से डरती है ना। माया, आई लव यू। लगता है बत्ती का बिल नहीं भरे। अश्विन, यहाँ से इसी वक्त चले जाओ प्लीज। आई लव यू टू बोल दे, मैं चला जाऊंगा। इधर डेंजर है, जाओ। अरे पहले रिप्लाई तो दे, नहीं तो मैं तकिया बिस्तर लेके इधर ही धरना दे दूंगा। आई लव यू बेबे। अब तो मरेगा, पक्का मरेगा। तूने अपनी मौत को खुद दावत दी है। जिंदगी प्यारी है तो पहले फुर्सत में निकल जा। कल्टी पहले तू कल्टी ले। डॉक्टर, अश्विन का कुछ पता चला क्या? अरे गुरुजी, उसका फोन बंद है रे। मतलब उसका काम तमाम हो गया होगा। हाँ। मेरे को भी यही लगता है। हे नृत्य की देवी, थैंक यू। इस खुशखबरी के लिए कान तरस गए थे। अब तो मैं आराम से अपने घर में चैन की बंसी बजाऊंगा। 3 बत्ती वाला। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। ब्लेस यू टू। लगता है अभी तक आई लव यू नहीं बोला। काय मंडली, मेरे को देख के ऐसे मुंह बना रहे जैसे मैं चाइना जाके कोरोना लेकर आया हूँ। इसके लिए कबर खोदी थी, लेकिन ये तो इधर ही खड़ा है ना। मर मत, मुंह सीधा हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? गुस्सा नहीं करते अशु, प्यार करते हैं। तुमने उसको आई लव यू बोला कि नहीं? अरे मामू, एक बार नहीं 4 बार बोल डाला। तुम जल्दी से अपने घर पहुँचो, वो भी आती होगी। कौन आती होगी रे? तुम्हारी डॉक्टर स्वीट हॉट, वो आकर तुम्हारे बदन की फिजियोथेरेपी करेगी। गुरुदेव, तू है तो पुराना ट्रांसफॉर्मर, लेकिन करंट तुझमें बहुत है। ये तो गया, बजेगी बीन, उठेगा नाक का फन, ये हो जाएगा दफन। Love you, man. इस पर चुड़ैल का साया है। दरगाह पहले आना, तावीज बांध दूंगा। चुड़ैल का साया? हाँ, ये एक प्यासी आत्मा का काम है। क्या बकवास कर रहे हैं? तुम नहीं समझोगे। डॉक्टर होने के नाते मुझे भी यकीन नहीं था, पर जब सच से सामना हुआ कलेजा हिल गया। पता है हॉस्पिटल में सेम टू सेम किस्सा हुआ जब एक रोमांटिक डॉक्टर ने माया को प्रपोज किया। कौन है वो बट्टेबाज? डॉक्टर के चीरा लगाने वाले चाकू से चीर डालूंगा। ऐसा ही गुस्सा माया की आशिक आत्मा को आया था, उसने डॉक्टर को मार दिया। लेकिन इसके पीछे है कौन? एवेंजर गरुड़ा, माया का इकलौता सर्टिफाइड बाप। अरे हर किसी का एक ही सर्टिफाइड बाप होता है, आजकल के जमाने में ऐसा नहीं है। नाजुक मौके पे पूरा आर्टिकल मत पढ़, हेडलाइन बोल। एवेंजर गरुड़ा जादुई शक्ति का कॉन्ट्रैक्टर। अरे जादूगर होगा अपने घर का। हमारा अश्विन किसी से कम है क्या? और फिर वो बाप भी है, एक न एक दिन अपनी बेटी की शादी करेगा ही। अरे तो क्या अपने अश्विन में कांटे लगे हैं? अरे डरने का काय को, तू उसको भगा के लिया। वो धारावी या सायन कोलीवाड़ा में नहीं रहता है, केरला के जंगलों में रहता है। तो रहता होगा। अपना अश्विन डरता है क्या किसी से? यार अश्विन को छठी क्लास में अकेले तिरुपति मुंडन करवा के आया था। मामा अपन पांचवी तक पढ़े। अरे तो चुप रहे भांजे। सुनो, आज ही हम ऑटो में केरला जाएंगे और एक ही हफ्ते के अंदर माया को दुल्हन बनाकर वापस ले आएंगे। मामा शादी कराने आया या फिर अय्याशी कराने? ये मेरे जिगरी दोस्त का ढाबा है और उसको एवेंजर गरुड़ा का अड्डा भी पता है, तो उसके फ्री होने तक हम लोग गला गीला करते हैं। क्योंकि एक बार तेरी माया से शादी हो गई तो पीने के लिए बहुत तरसेगा। तुम लोगों ने रोज टल्ली होके अपन को अमीर बनाया, यही मेरा दोस्त है। सबको झुक के थैंक यू बोल रहे ला। मेरा बाप ढाबा संभालते संभालते खुद बेवड़ा बन गया था। इतना घाटा हुआ कि खाली बाटली बेच बेच के सबका कर्जा चुकाया। भगवान की दया से उसको मरे हुए 25 साल हो गए। इस खुशी में दारू चकना सब फिरे। मेरे बापू की घर आ गया क्या? देखा वालों, यही है गरुड़ा का ठिकाना। गरुड़ा को गलती से भी गुदगुदी मत करना, वो तेरे को गुदगुदी करेगा ना तो तेरे फेफड़े में छेद हो जाएंगे। तो सेलो टेप काट के लगा लेंगे। तुम केचुए की तरह घिसते हुए जाओ, अपन फुदक के आ जाएगा। डरते क्या उससे? चल ड्राइवर ढाबे की तरफ ले। क्या बोलते हैं भाई लोग, अंदर सब दिखता है ना। अगर पीने को कुछ नहीं मिल रहा है तो ऑनलाइन फैसिलिटी शुरू हो गई है, कब्र तक पहुंचा के जाएंगे वो लोग। क्या आर्ट है भांजे, इसको ले जाके म्यूजियम में बेच डालेंगे। खर्राटा झाड़ू से बने क्या कर रहे हैं? तेरे को क्या लग रहा है ये भैंस का तबेला है जो तूफान की तरह गुस्सा चला रहा है? ये एवेंजर गरुड़ा का अड्डा है और मैंने पैंट के अंदर पहना चड्डा है और हम लोग करने वाले फट्टा है। स्वामी अभी अपने शरीर से 10 मिनट के लिए टाइम फ्रीज लेकर आत्माओं से बात करने जा रहे हैं। स्वामी को डिस्टर्ब मत करना। ढोल बज रहे हैं मामो। कौन है तू? पैर हटा। स्वामी की आत्मा इवनिंग वॉक पे गई है। स्वामी क्रोधित हो गए तो तेरे रीढ़ के अंडे निकाल के उसमें पॉलिश मार के बेंड करके कमर का बेल्ट बना लेंगे। चिल्लम चिल्ली बंद, ये अपन का फैमिली मैटर है। अगर किसी ने भी अपनी गंदी टांग घुसाई ना तो बिना चाकू के काट डालूंगा। ए मामा जरा सैंपल तो बताना। मेरे होने वाले ससुर जी, आज मैं तेरी तपस्या में घुस के समस्या खड़ी करूंगा। अरे माना तेरी बेटी चांद जैसी खूबसूरत है तो क्या उसे कभी डोली में नहीं बिठाएगा? अरे मैं ठहरा एक राउडी और तेरी बेटी डॉक्टर। अरे बहुत अच्छी जोड़ी जमेगी। जिस दिन धंधा नहीं रहेगा ना, मैं लोगों को खुद मार मार के उसके क्लिनिक में भेजूंगा। तेरी बेटी कसाटे की तरह चिकनी और तू एकदम भोपले की तरह फूला हुआ। तेरी बेटी है किसी और की? मामा ये कोई ध्यान में नहीं है, सो रही है। हाँ? हम इस वक्त कहाँ पर हैं? केरला में। तो फिर अपने टोन थोड़ा चेंज करो जी। आइयो अब मेरे भेजे के तो आरे खुला। साउथ यानी दक्षिण फिल्मों का मैं इतना बड़ा पंखा है, जितना बड़ा पंखा वीटी स्टेशन पे लगाई। ससुर जी तेरे को देख के मुझे जंगली बिल्ली का याद आ रही। अब हमको आंख में घुसना पड़ेगा। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो चेकिंग चेकिंग 2 3 4 2 3 4। अयो ससुर जी कौन केस? अरे मामा 100% ये धतूरा खा के बैठा है। अब तुम ट्राई करो, मैं तो शादी के बाद ही ट्राई करूंगा। मैं टकले की चर्बी उतारता हूँ। अबे आँख खोल वरना वुल्वरीन के पंजे से तेरा टकला खो जाऊंगा। नकली मूंछ जो मार्कर से बनाया है उसको तेजाब से मिटा दूंगा। तेरे कद्दू जैसे सर को मिक्सर में डाल के प्रोटीन शेक मिला के पी जाऊंगा। तेरे गेंडे जैसे बदन पे भैंस का गोबर लेप के उसपे शहद की कोटिंग चढ़ा के छत्ता लगवा के मधुमक्खियों को बुलवा के तेरे गेंडे जैसी चमड़ी पे उनसे डंक मरवाऊंगा। अरे ये कौन सा माल भूख कर बैठा है भाई? भांजे मुझे तो लगता है ये गेंडा अगले पूरन मासी को ही अपनी आँख तो खोलेगा। एक काम कर, सीढ़ी बम्बा को बुला और इसके मुंह पे पानी मरवा। सीढ़ी बम्बा के साथ सीढ़ी भी नहीं आएगा। इसके कानपुर में ऑयलिंग की जरूरत है। मैं भी हार नहीं मानूंगा, इधर ही पैर जमाऊंगा और तेरी तपस्या को ऐसा भंग करूंगा कि तेरे अंटर पंटर शंटर सब हो जाए छुमंतर। बात मानेंगे तो ठीक, नहीं तो हाथ तोड़ेंगे, पाँव तोड़ेंगे, काट डालेंगे। ये बजा रहे तेरी पूजा की तैयारी शुरू करो। अंबिका, पापियों के पांव की मिट्टी ले आओ। ड्रैकुला, शैतान का कपाल मेरे पास ले गया। इनकी मौत इन्हें यहाँ पर लेकर आई है। मैं इनके प्राण ले लूंगा। इनकी हड्डियों का मांस निकाल के काली शक्तियों को बर्थडे गिफ्ट दूंगा। पिताजी, वो अश्विनी बहुत अच्छा लड़का है, प्लीज उसके साथ ऐसा मत करो। एवेंजर गरुड़ा कहते हैं मुझे, पीछे हटा तो बदनामी हो जाएगी। प्लीज पिताजी, उसे माफ कर दो। इस बारे में मैं उससे बात करेगी। प्लीज। डरने का छीटा मस्त आ रहा है। बोल डालना आई लव यू। मैं तुमको बोली थी अश्विन की मैं आके जवाब दे देगी। फिर तुम इधर केरला क्यों आया? केरला में बनाना चिप्स कचरे के भाव मिलता है, उसको खरीद के सोने के भाव में एक्सपोर्ट करूंगा। ये मजाक का टाइम नहीं है। मेरे पिता तांत्रिक है, वो कुछ उल्टा सीधा कर दिए तो इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। हेलो, तांत्रिक को अपन अपने चोर पॉकेट में रखता है। अगर तू लव नहीं करती तो बोल, अभी इधर ही झरने में गिर के जान दे दूंगा। कूदू क्या? मैं नहीं करती हूँ। डिसाइड करना मैं कूदूं या नहीं कूदूं। कहना मुश्किल है जी। तेरा कहना मुश्किल है तो आप उनका रुकना मुश्किल है। लड़की का ग्रीन सिग्नल देते ही लोग ऊट पटांग गाने सुनने लगते हैं। अरे बंद कर अपना फटफटी। ये सुर की रागिनी इधर से नहीं, उस डिब्बे से आ रही है। ओहो ए शिवडो, जैसे बारिश का तोड़ छतरी है, सर्दी का तोड़ हीटर है, गर्मी का तोड़ कूलर है, वैसे इस गरुड़ा चीटर का कोई तोड़ वोड़ है कि नहीं? पैसा लगेगा। अबे तू मुझे हार्ट अटैक देगा क्या? पता है ना हॉस्पिटल में कितना लंबा बिल बनाते। उस देवी का नाम बिना नहाए धोए नहीं ले सकते। कौन है वो? वो चुड़ैलों की गॉड फादर है, डायनो की मौसी है। अच्छा, वो राजमाता 3 है। धूम 3 के बारे में तो सुना था, ये राजमाता 3 क्या है? राजमाता, ये मेरी बड़ी बेटी है। हमने इसके लिए रिश्ते देखे पर सबने ना बोल दिया। आप ही कुछ कीजिए राजमाता। इनमें से एक होली कोकोनट को उठाकर तोड़ो, उसमें ही तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन है। जय हो। आहा, येलो फ्लावर, तुम्हारी बेटी लकी चार्म है। 1 1/4 मंथ के बाद बेटी के हाथ पीले और आपकी जेब ढीली हो जाएगी। ब्लड इन कोकोनट अशुभम, इसका बीज तुम्हें फल नहीं दे सकता। ऐसा मत कहिए राजमाता, हमें कोई सही रास्ता बताइए। नेक्स्ट मंडे मैं कैलाश पर्वत जाकर तुम्हारी संतान के लिए कैंडल लाइट्स और दिए प्रज्वलित करूंगी। मेरी गारंटी है तुम्हें बच्चा होगा। जय हो राजमाता। सुखम बम बम भोले। राजमाता, अपन के साथ 2 फंटर आए ले। इस जेंटलमैन का नाम ए से आरंभ होता है और जिससे ये मैडली लव करता है उसका एम से प्रारंभ होता है, लेकिन लड़की का फादर तुम दोनों के डीपली लव में बबुल का कांटा बना है, इसीलिए ये मुंबई के सायन धारावी से भागकर यहाँ आए हैं। कम क्लोजर। आज डार्क नाइट में दियों की बारात के साथ पूजा होगी। यू बी ऑन टाइम। डोनेशन बॉक्स आउटसाइड है। राजमाता, मेरे लिए भी कुछ ऊपर से आया है क्या? अरे शिवलिंग, इसका मैं क्या करूं? इसे पॉकेट में रखो। अच्छा। सोमरस की कमी नहीं होगी। शुक्रिया शुक्रिया। मंगलम। गरुड़ा जी, अश्विन राजमाता से मिलने गया है। ये लंबा लंबा टांग लेना, जल्दी आना। आजा। ये पूजा कब शुरू होएगी? बस 10 मिनट में शुरू होगी। जा आरती को साथ में लेके जा। जरूर भाई नमस्ते। शिवड़ो ऊपर क्या बवाल चल रहा है? अमेरिका और रशिया दो सुपर पावर एक साथ है। ज्वालामुखी भड़केगा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर था। आज या तो तू रहेगी या मैं। मुझे जानता नहीं, मेरे पास काली माँ का सोने का त्रिशूल है, भस्म कर दूंगी। जय चामुंडेश्वरी माँ। क्या कहा? तेरा त्रिशूल काम नहीं करेगा, ये थर्माकोल से बना हुआ है, भाड़े पे मिलता है, मुझे पता है रे। नारियल में फूल इंजेक्शन से लाल पेंट भर के उन्हें सिंदूर से रंग देती है। तेरे सारे फ्रॉड मुझे पता है, ये पुराने पैतरे हैं। अबे टकले, तू कौन सा दूध का धुला है रे? जूनियर आर्टिस्ट को भाड़े पे बुला के उनसे भूतों की एक्टिंग करवाता है। चारों तरफ स्पीकर लगाकर डबिंग आर्टिस्ट से भूतों की आवाजें निकलवाता है। और जो तेरे चेहरे पर लाइटिंग इफेक्ट देता है ना, उसकी बीबी मेरा त्रिशूल पकड़ती है। जाने भी दो ना, हम तो पुराने दोस्त है, एक दूसरे का पोल मत खोलो। आज कितने दिनों बाद मुझसे मिलने आए हो? तू भूल गई क्या? पिछली बार मैंने तुझे एक सीट पे बिठा के 2 वड़ा पाव खिलाए थे। हमारा जोड़ हैवी कॉल से भी ज्यादा मजबूत है। तू मेरी हेल्प कर, देख हम लोग क्या क्या गुल खिलाते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मुझे नीचा दिखाने के लिए वो शराब तेरे पास आया। अब मैं तुझे नीचा दिखाऊंगा ताकि लोगों को पता चले कि मैं तांत्रिकों में तांत्रिक नंबर 1 हूँ। बाल के साथ दिमाग भी उड़ा दिया क्या? राजमाता तेरे लिए अपना मार्केट खराब करेगी, कभी नहीं। हा? मेरे लिए एक्टिंग कर लो। मैं भी तो तुम्हारा पुराना कार्यकर्ता हूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए करूँगी। भगवान भोलेनाथ के चौराहे पर जो मंदिर है ना, उसके पीछे वाली 50 एकड़ की जमीन मेरे नाम कर दो। ओ भैरवा, मरी गए हो। सिर्फ 10 मिनट की एक्टिंग के लिए तू पूरी पिक्चर का पेमेंट मांग रही है। 2-4 लाख में मांडोली कर ले मेरी जान। पिछली बार जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, हाँ मैं कैसे भूल गई? अबॉर्शन का बिल भी नहीं दिया था। याद है, मेरा पेट फुला दिया था। बचपन की एक छोटी सी गलती के लिए इसने अपना पेट फुला लिया। इतना बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा? जानू, हमारा तो चोली दामन का साथ है ना, मुझे थोड़ा डिस्काउंट ही दे दो। उस वक्त जो दर्द हुआ था ना मुझे, उसका तो पैसा भी नहीं जुड़ा। वही डिस्काउंट है। कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। हाँ ठीक है, हाँ मुझे मंजूर है। बुलाओ उसे। अश्विन बेटा, कम फास्टर। दाढ़ी क्या हिला रहा है? पैर हिला। जा ऊपर जा, जाना। मैं गुड मॉर्निंग। मंगलयान, आई मीन मंगल भव। क्या राजमाता मंत्र मार के इस गैस वाले फूके की गैस निकाली कि नहीं? उदया ऐसा नहीं बोलते, सीनियर सिटीजन है ना। अरे आप इस ठकराल को नहीं जानती, जो भी इसकी बेटी को आई लव यू बोलता ना, ये उनके पीछे हिंदी फिल्मों की बी ग्रेड चुड़ैल छोड़ देता है। अरे रे 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 रे, क्या बैल की तरह मुंडी हिला रेला है। ए सेंट माता, अब भी इसकी बेटी को आई लव यू बोलता हूँ, देखना कैसे भाड़े की चुड़ैल मेरे पीछे लगाता है। हाय मोहमाया। इस टाइम पे कॉल क्यों किया अश्विन? पिताजी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखेगा तो प्रॉब्लम होएगी। ये ले सरप्राइज, बूढ़ा वो सामने ही खड़े लाए। अयो अश्विन, ये तुम क्या कर रहे हैं जी? तेरे बाप के सामने ही तुझे प्रपोज करूंगा। नहीं अश्विन। आई लव यू। कौन था वो? मेरे हाथ भी नहीं है, मैंने नहीं बुलाया। सेंट माता, अपनी आंखों से देख लिया ना, अब आप उन फिर से प्रपोज करेगा और देखना भूतनी कैसे यू टर्न लेकर आती है। ए मूरत बालक, मेरे क्रोध की टेस्टिंग मत कर, चुपचाप यहाँ से चला जा, नहीं तो। चुप रहो। मेरे क्लाइंट के साथ ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? घासलेट डाल के माचिस लगा के तुम्हें भस्म कर दूंगी। पुंगी वाजली, देखा राजमाता का पावर, तुझी वाट लावली। प्लीज अश्विन, फोन रख दो। नो वे, I love you. सच्ची में आई क्या? तुम्हारी लड़की पे नजर डाली तो तेरी आंखें नोचूंगी। रुक जाओ। गुरुजी को प्रणाम। हम पर आपके आशीर्वाद की छावनी हमेशा बनी रहे। तुम दोनों धूर्त पापी हो, मक्कार हो, धोखेबाज हो। तुमने तंत्र विद्या का अपमान किया। चले जाओ यहाँ से। स्वामी जी, इनकी बेटी संकट में है, बस आप ही का आसरा है। मेरे पापों की सजा मेरी बेटी को मत दीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। स्वामी जी, माया को बचा लीजिए, आपको काली माँ की कसम। समस्या क्या है? ये एक प्राचीन काल की विद्या है। इन महामंत्रों का प्रयोग मेरे गुरु के गुरु ने जीवन में एक बार ही किया है और इस बात का पता इन ग्रंथों से चला है। ये है यक्षी का जादू टोना। तुम लोगों ने कभी इसके बारे में सुना है? कभी नहीं स्वामी जी। 18वीं शताब्दी में जॉर्ज विलियम नाम का एक अंग्रेज यहाँ आया जो हवस का पुजारी था। आई लव यू बोलकर उसने यहाँ न जाने कितनी कुंवारी जिंदगियाँ बर्बाद कर डाली। लेकिन एक दिन अचानक जॉर्ज विलियम्स का केरला में ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ आते ही उसकी नजर देवयानी नाम की एक बहुत ही सुंदर कन्या पर पड़ गई। देवयानी मार्तंड वर्मा की बेटी थी जो प्राचीन काला जादू टोना जानते थे। मार्तंड वर्मा अच्छी तरीके से जानता था कि उस अफसर को समझाना बिल्कुल बेकार है। वो अपनी बेटी की रक्षा कर सकता है तो सिर्फ यंत्र और मंत्र से। तकदीर से मार्तंड को अपने पूर्वजों के लिखे ग्रंथों में यक्षी जादू टोना करने का तरीका मिल गया। पूर्णिमा की रात को मार्तंड ने उस जादू का प्रयोग करना शुरू किया। उसने यक्षी की आत्मा को वश में कर लिया और बेटी की रक्षा करने का निर्देश दिया। साथ ही अपनी बेटी के करीब आने वालों को घोर पीड़ा देने की आज्ञा दी। यक्षी को एक मिट्टी की गुड़िया में कैद करके उसे घर के एक कोने में स्थापित कर दिया। हे देवयानी, आई लव यू। आई लव यू सुनते ही यक्षी की आत्मा उस पर झपट पड़ी। जॉर्ज को मरवाने के बाद मार्तंड ने यक्षी को फिर से गुड़िया में कैद कर दिया और हमेशा के लिए घर में गाड़ दिया। ठीक ऐसी ही गुड़िया हमारे घर में है। वो आत्मा अभी आजाद घूम रही है। अरे बाप रे! वो गुड़िया तुझे कहाँ मिली? 7 बंगले के 7वें बंगले में 7वीं पूजा के लिए गया था मैं। गरुड़ा स्वामी, आप खुदाई क्यों करवा रहे हैं? इस घर से अगर आत्माओं को भगाना है तो चारों कोनों में 4 तांबे की मूर्तियां गाड़नी होंगी। सिर्फ एक गुड़िया, उसमें भी कील लगा रखी है। जिस दिन से तुमने उस गुड़िया में से वो कील निकाली, तब से वह आत्मा माया की रक्षा कर रही है। वो कील कारपेंटर को बुला के अपने आसन में ठुकवा ले। स्वामी जी, अगर उस गुड़िया को सागर में फेंक दे तो? गहरे सागर में फेंको या अग्नि कुंड में डालो, वो इसकी बेटी से अलग नहीं होगी। इसके लिए महायज्ञ करना होगा। ब्रह्म मुहूर्त में यक्षी की आत्मा को वहीं गाड़ेंगे। ब्रह्मचारी की आवश्यकता होगी। ये भी संभव है कि उसके प्राण चले जाएं। कोई ऐसा इंसान जिसमें त्याग की भावना हो। इतना दिन हो गया, आप मेरे को कमीशन तो दे दो। चिल्लर भी चलेगा। मंगल भव। मंगल शुभम भव। मंगल आशीर्वाद फ्री में बांट रही है। कहाँ जा रहे हो बेटा? वो एवेंजर गरुड़ा जमीन पे उतर ही नहीं रहा माता। अरे बालक, जब राजमाता हियर तो काहे का फियर? अरे काहे की माता, तुम तो वहीं पर ही थी, तुम्हारे सामने इसको कुत्ते की तरह पीटा उसने। ए मामा, राजमाता है। चुप रह भांजे। यंग मैन, देखो कौन आया है। मैंने इस खड़ूस बाप को बेटी की शादी के लिए मना लिया है और वो जो चुड़ैल तुम्हारे आड़े आ रही थी उसे कान पकड़ के भगा दिया। इस लड़की को देख के ललचा मत, इससे अच्छी लड़की दिलवाऊंगा। दामाद जी, मेरी बेटी की रक्षा करने वाली यक्षी मेरी ही शत्रु बन गई है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए इससे विवाह करने वाले लड़के को एक यज्ञ में भाग लेना होगा। ये सब तुझे दहेज ना देने का प्लान है और इसमें ये राजमाता का भी कट है। कितने तेज दिमाग का है बुटका। चल अब सच की उल्टी जल्दी कर। रोबोट टू देखी है? हाँ देखी है, पर उसमें तू मुझे कहीं नहीं दिखी। आगे बोल। जिस रोबो को रजनीकांत ने बनाया वही उसका दुश्मन बन गया ना। बात में दम तो है। ठीक है, कब और कहाँ? इसी महल में गुड़िया को दफनाया गया था। अगर माया को उस यक्षी आत्मा से बचाना है तो उसे वश में करना होगा। यज्ञ के महामंत्र प्राचीन ताड़पत्रियों पर लिखे हुए हैं। यक्षी का नाश करने के लिए तुम्हें उन ताड़पत्रियों को ढूंढना होगा। स्वामी जी, वो जब भूतनी अंदर बसी है वो हमें भी धोबी की तरह धोएगी क्या? देखो, यज्ञ के दौरान वो तुमको हाथ नहीं लगा पाएगी, परंतु हाँ, यहाँ भटकती हुई दूसरी आत्माएं यज्ञ में अड़चन डालने की कोशिश जरूर करेंगी। अबे यार, अगर थोड़ा पीने को मिल जाता तो भूतों के सामने थोड़ी डेयरिंग आ जाती। यारे, डरने का काय को मामा, चुड़ैल आएगी तो सीधा अटैक तांत्रिक लोगों पे करेगी ना। स्वामी जी, यज्ञ शुरू कीजिए, हम लोग ताड़पत्री ढूंढते हैं। माता, डरना माता, मैं हूँ ना। अरे जब साक्षात राजमाता अपन के साथ है तो चुड़ैल के साथ अपन कबड्डी खेलने को तैयार है। जय कबड्डाय नमः। फंस गई भूत बाबा। क्या रे, सारे भूत प्रेत पहले कारपेंटर थे क्या? जो भी हॉरर पिक्चर देखो उसमें दरवाजे खिड़की से ही डराते हो। अरे डराने का कोई नया तरीका ढूंढने का, बोले तो अपग्रेड होने का। अरे कुछ नया सीखो। तुम्हारी तो बैठ जाओ चेयर। देखा, आप उनकी बात सुनते। थैंक यू भूत प्रेत चुड़ैल लोग, राजमाता को इतनी इज्जत देने के लिए। बसा बसा, पता रहो बैठने का। मुझे बाल तोड़ हुआ है, मैं नहीं बैठ सकती, तुम ही बैठ जाओ ना। बैठो ना। बैठो। हर हर महादेव। किधर को जाता है? ये तो आपकी इंसुलेट है। राजमाता को बाल तोड़े इसीलिए नहीं बैठी वो। उसको अगर जल्दी सॉरी नहीं बोला ना तो राजमाता तुम लोगों को कंचना महल से निकाल के अमेज़न के जंगल में भेज देगी। अश्विन मेरी बात सुनो, इज्जत के तेल ले रहे इनके मुंह मत लगाओ। अरे काहे को? चुड़ैल देवी, तुझे राजमाता ने माफ कर दिया। मेरी राजमाता को भूतों ने हाथ लगाया। हम अभी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। प्रभु, ये भूतों को उंगली करके मेरी कब्र खुदवाने पे तुला हुआ है। अश्विन, अश्विन मत जा, मुझे अकेला छोड़ के। अश्विन, मैं आ रही हूँ। मोटा भाई, अगर आपको भूत मिल जाता है ना तो उसे बोतल में कैद कर लेना, मैं घर पे शोकेस में रखूंगा। अगर बजट नहीं है तो ठीक है। अरे स्वामी होके इतना डरता क्यों है? स्वामी जी वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ? अच्छा डर गया ना? ए स्वामी डर गया, ए स्वामी डर गया। चुप, ताड़ पत्री ढूंढते हुए तू तार तार हो जाएगा। तुझे डर नहीं लगता? ये घर पूरा भूतों से भरा हुआ है। डरने की क्या जरूरत है? भूत भगाने वाला मेरे साथ है। हाँ, कौन है रे? अरे बचा रे, बचा रे, टकले बचा। क्यों रे स्वामी, तेरा तो नल लीक हो रहा है बे? अबे चूचू के मुरब्बे, भूतों से मैं नहीं डरता लेकिन तेरी एक्टिंग देख के मैं पूरी तरह ठंडा पड़ गया। तुझे भूतों से डरने लगता? भूत तेरे दोस्त है क्या? भूत हमारा होस्ट है, बचपन का मेरा दोस्त है। चुड़ैल की औलाद, डराने के लिए पहले भूतों वाला कोर्स करके आ। बांगड़ू नाम है अपन का, तेरे पूरे खानदान से नहीं डरेगा। पार्लर का कूपन खलास हो गया क्या? अश्विन, इस कमरे में ताड़पत्रियां नहीं है, चलना निकलते यहाँ से। माता, ताड़पत्री नजर नहीं आती। मैं भी यही बोल रही थी, चलो निकलते यहाँ से। चल 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 चल। मैं तुझे अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी बेटा, चलो। अरे जल्दी निकल यहाँ से। कौन है वहाँ? डरा मत ना। What are you doing, अश्विन? भूत कुत्तों से डरते हैं राजमाता, इसीलिए उनकी आवाज निकाला हूँ। देखा, चले गया छे। अयो, भूत से तो बाद में इसकी बेवकूफियों से पहले मर जाऊंगी। काय बोली? बेटा अश्विन, मैंने तांत्रिक विद्या में पढ़ा है, आत्मा को बहुत ईगो होता है, उनके ईगो को हर्ट नहीं करते बेटा। किया तो? अश्विन अश्विन अश्विन, नीचे उतार, नीचे उतार मुझे, नीचे उतार। मैंने तांत्रिक विद्या में पीएचडी किया है क्या? खुद ही मंत्र बोलो और नीचे आओ। मेरे को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, इसीलिए तो मैंने ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट खरीदा है। आजा बेटा, मेरे को गोद में ले ले, मैं इतनी भारी नहीं हूँ। आजा बेटा। वर्ल्ड टूर करके नीचे उतरेगी। जय जय महेशमती, जय जय साबरमती, जय बासमती। अगर एक्टिंग करने का शौक है तो बम्बई आने का ना, यहाँ पे ऑडिशन काय को दे रही है। चमाइला तथास्तु। एक्टिंग बंद कर और सच सच बोल, नहीं तो दूंगा एक। पोल खुल गई। हाँ ठीक है बताती हूँ। फास्ट मनी के चक्कर में मैं राजमाता बनी, मुझे कोई तंत्र विद्या नहीं आती। तुझे कसम है किसी को बताना मत। अभी तक लोगों को उल्लू बना के सिर्फ 3 BHK ही खरीद पाई हूँ, कसम से। क्या रे, तू तो नल्ली निकली, लेकिन उस गरुड़ा का क्या? अगर मैं 420 हूँ ना तो वो 420 नहीं 840 है। अब बोल रही है, फिर आप उनके मामा का क्या हाल होएगा? भांजे, भांजे, अबे उस टकले स्वामी को कोई मंत्र तंत्र नहीं आता है भांजे। पता नहीं भूतनी पे क्या मंत्र मारा उसने, उसका मूड खराब हो गया और मुझे उल्टा टंगा के चली गई यहाँ पर भांजे। अगर भूतनी की कृपा से मैं बच गया तो तेरी शादी माया से हरगिज नहीं कराऊंगा। भांजे लगता है कि ये भूतनी बहुत ही प्राचीन काल की है, इसे कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए टॉर्च लेके यहाँ वहाँ मार रही है। भूतनी बहन, मैं तुम्हारी आंखों का इलाज करा दूंगा, मुझे कृपा करके नीचे उतार दे बहन। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मंजीरा मत बजाओ, मंजीरा बजाते हो तो मेरा रोम रोम बजने लगता है। फर्स्ट एड का सामान मिल जाए तो पट्टी अट्टी कर लूं। शक्लें मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी बिरादरी का हूँ। हे प्रभु मेरी रक्षा कर इस झुनझुन वाले बाबा से। अरे जल रहा है। पोल खुल गई। अगले इधर देख, इधर इधर, इसको पता चल गया। जितना पैसा इस माला पे इन्वेस्ट किया ना, उससे अच्छा तो धारावी में एक झोपड़ी ले लेता। छी, इसको खुद से पता चला, मैंने कुछ नहीं बताया। क्या मामा दरवाजे के पिछू क्या कर रहे हैं? वहाँ क्या कर रहा है तू? उधर आत्मा है, तू इधर जल्दी आ, जल्दी आना। इधर आत्मा है? अरे आत्मा का खात्मा हो गया, आके देखो, आओ ना। अबे धोया कि नहीं? शुक्र मना कि मैं आ गया, नहीं तो रात भर इस ठकराल के साथ छुपा छुपी खेलते रहता। भांजे भूतनी देखते ही इसका नल ढीला हो जाता है तो टीम चेंज। वो कैसे? अरे अगर सुई बिगड़ती है ना तो तालाब भर के मुद देता है। म्युनिसिपैलिटी का नल लगा है इसमें। ठीक है टीम चेंज। ये सिंटेक्स की टाकी के साथ रहना है। ये लोग 420 नहीं 520 है। चल मामा इधर से। हम क्या करें? कोने में जाके कीर्तन। बस कर। क्या मतलब है बस करूं? वैसे भी इनके सामने हमारा भांडा फूट गया है। बहुत दिन हो गए मैंने कुछ किया नहीं। मेरा भी कुछ करने का मन कर रहा है। भांजे, भांजे, तुझे वहाँ पर कोई चनिया चोली में दिख रहा है क्या? आजकल दिन में चढ़ा रहे अरे बाप रे, ये भूत नहीं है या कोई फुटबॉल प्लेयर। ऐसी लात मारी कि हम दोनों ग्राउंड के बाहर हो गए। मामा मामा निकलना मजो। कैसी लग रही हूँ मैं? बताना मेरे को कैसी लग रही है। ऐसा लग रहा है प्रलोक से धरती लोक पर एक चुड़ैल उतर आई है। दिल कर रहा है भूत बनके तुम्हें खा जाओ। ए चपेले दांत बन के मुँह से बदबू आ रही है। ए सुन सुन सुन, तू जाके उस कोने में खड़ा रहे, मैं इस कोने में खड़ी रहती हूँ। जैसे ही कोई हैंडसम सा भूत आएगा ना, उसको दबोच लेंगे। चूना पोत लेने से हम भूतों को चूना नहीं लगा सकते, वो हमसे ज्यादा होशियार है। मेरे जंगा लाला अरे बाप रे, माँ कसम चुटकी बजाते ही कपड़े बदल रहे हैं। भूतनी कपड़े की शौकीन लगती है। देखा उस झिंगूर का कैसे भगाया? ओरिजिनल चुड़ैल से भी भयंकर लगती हूँ ना मैं। वो तो है। अब तेरी बारी है सबको डराने की। चल अब देर मत कर, जरा रिहर्सल करके बताओ मुझे। ज्यादा मत कर, आतड़ी बाहर आ जाएगी। ऐसे करना है तुझे। इस भूतिया महल में ये नॉन भूतिया औरत कहां से आ गई? इसे डराकर मैं अपने कब्जे में करके अपने किचन में रखूंगा। इतना डरा रहा हूं फिर भी क्यों नहीं डरी? तो तुम कोई नॉर्मल लड़की नहीं हो, तुम सच में भूत हो। मैं कमर खुद दूं, अपनी कमर खुद खोद ली। मैं तो तुम्हारी लाल साड़ी देखकर लालम लाल हो गया था। अब मैं नो एंट्री में कदम कभी नहीं रखूंगा। चलता हूँ। भूतरी बहन, मुझे लगा तुम इस पार की हो, लेकिन तुम तो उस पार की निकली। मुझे माफ कर दो मेरी माँ, मुझे जाने दो। वैसे भी तुम कांचना 2 की भूतरी हो, यहाँ कांचना 4 में क्या कर रही हो? समझ गया, समझ गया। भांजे, ये बहुत ही खुफिया जगह लग रही है। जरूर यहाँ ताड़पत्रियां होंगी। अपन भी यही सोच रहे था। इतने सारे पायरेटेड भूत देख के हजम नहीं कर पाया, पेट खराब हो गया। हाँ, ये जगह ठीक है, कोई देखेगा भी नहीं। जोर से आई है और डर भी लग रहा है। प्रभु का नाम लेके बैठ जाता हूँ। डर के मारे प्रेशर जाम हो गया, कुछ करना पड़ेगा। आजा आजा अबे तोंदू, ये तेरे गाल पे किसने चिपकाया रे? मैं बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, चुड़ैल के एक झापड़ ने हिला दिया ना। स्कूल के बच्चे की तरह तेरे को सिखाया था कि कैसे डराते, लेकिन क्या हुआ, सब ढूस हो गया। अब देखना, चुड़ैल को ऐसा डराऊंगी ना कि वो मेरे कदमों में गिरकर माफी मांगेगी। अबे तू तो ऐसे मुंह बना रहा है जैसे प्रेग्नेंट भैंस बनाती है। क्या हुआ, भौंकेगा? चुड़ैल मेरे पीछे है क्या? कब पधारी है? मुझे क्या मालूम। आने के बाद मुझे हेलो भी नहीं बोली। लगता है कभी स्कूल नहीं गई बेचारी। शायद अनपढ़ होगी। अनपढ़ नहीं, गंवार है। चल बेबी, इतना मत है। सुबह तूने बैंगन का भरता खाया था ना? देखा, मेरा अंदाजा सही निकला। 70% तो हल्का हो गया। हाँ, सिगरेट चूरन का काम कर रही है भाई। हो गया मेरा। एक लोटा पानी डाल दिया और मेरा हाथ सूखा है, तो धुलाया कौन? ये छोड़ छोड़, वरना सिगरेट से चटका देगा तेरे को। ये ले, चटका दिया। जगह छोड़ना पड़ा ना। इसके अंदर देखते हैं। अरे बाप रे, ये तो सांप है। प्लास्टिक का है मामा। अच्छा, ऐसा क्या? ये मुझे ऐसे देख रही है जैसे दूल्हा दुल्हन को सुहाग रात को देखता है। तुम दोनों की नीयत तो ठीक है ना? तो और आ गई। लोगों को तो मैंने बहुत चूरन की गोली दी है, इनको मुझे चूरन का शरबत पिलाना पड़ेगा। हाय, मैं गंगोत्री बाई जमुनानगर से टिकटॉक बना रही थी, ट्रेन के नीचे आके मर गई। मेरे फेसबुक और टिकटॉक पे 5 लाख फॉलोवर्स हैं। मेरे आज की वीडियो को लाइक और शेयर करना। हाँ हाँ, इस कांचना महल को तूने बैंकॉक और पटाया समझ रखा है क्या? जो इन चारों से तू अपनी मसाज करवा रहा है, तुझे तो... बाप रे। लगता है भूतनी शास्त्रीय संगीत की शौकीन है। एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत जोर से आई है, बाथरूम ले चलो ना। अगर ये टेस्ट हम लोग नहीं पास कर पाए तो ये हमें पकड़ के मूंगफली के खोलते हुए तेल में डाल देंगे। अयो, चलो कुछ जुगाड़ करते हैं। Open. हेलो, हम लोग अभी नए नए बेबी घोस्ट है, मरे हुए 2 दिन ही हुए हैं ना, इसलिए हमारे पास पावर थोड़ी कम है। दरवाजा खुद खोल के आना जाना पड़ता है। मैंने सच कहा ना? अरे इसे खोलेंगे कैसे? अरे मामा जरा वो लेके आना। हाँ। मामा ये भूतनी गाने की शौकीन है, इसे गाना सुनाओ भाग जाएगी। मामा गाने में फीलिंग्स भरो। मामा फीलिंग्स बढ़ाओ, अंदर के आर्टिस्ट को बाहर निकालो। अबे अंदर से कुछ और निकल जाएगा, फील कहाँ से ले आऊं? आएगा मामा आएगा, और अच्छे से गाओ। अबे मेरे सामने कोई श्रीदेवी नहीं खड़ी है, ये श्री डायन है। गला फाड़ फाड़ के मेरे कान फाड़ दी। क्या प्रॉब्लम है तेरी? बस एक ही सुर लगाती रहती है। हम लोग काम कर रहे हैं, दिख नहीं रहा क्या? वैसे भी मैं पहले से बहुत डरा हुआ हूँ क्योंकि मैं रोज न्यूज चैनल्स देखता हूँ। वो लोग भी बहुत चिल्लाते हैं। अब अगर तू चुप नहीं हुई ना तो 2 मिनट के अंदर न्यूज चैनल वालों को यहाँ बुला लूंगा। ऐसे सवाल पूछेंगे कि तेरे कानों से खून निकलने लगेगा। वो इंसानों तक पर रहम नहीं खाते और तू तो भूतनी है, समझ जा तेरा क्या होगा। ये तो निकल गई। जय मीडिया। मामा स्टारफिश दे। भांजे है। लगता है सच में भूत बनने का टाइम आ गया। ले कुछ कर। स्वामी जी माला गले में डाल दो। अब दोनों इस पवित्र शक्ति को नमस्कार करो। शुभम। क्या चल रहा है स्वामी? यक्षी आ रही है। उसके आने से पहले माया को मंगलसूत्र पहनाना होगा, वरना माया की जान जा सकती है। जाओ मंगलसूत्र ले आओ। यक्षी की आत्मा आ चुकी है। स्वामी जी आप ही हमें यक्षी से बचा सकते हैं। ओम दमनाय प्रेताय नाशाय फट ओम सर्वभूतम बंद बंद सर्व प्रेतम पक्ष पक्ष। अश्विन परम शक्ति के गले से पवित्र धागा निकालो, उसे माया को पहनाओ। शीघ्र करो शीघ्र। हाँ? हाँ? वंदम नाय प्रेतनाशाय फट ओम सर्वभूतम बंध बंध सर्वप्रेतम पक्ष पक्ष सर्वसूत्र निखृत निखृत ओम दमन दमनाय प्रेतनाशाय फट। ओम दमन दमनाय प्रेतनाशाय फट। फट ओम सर्वभूतम बंद बंद जी, इस यक्ष से हमें कौन बचाएगा? माँ काली, इस ब्रह्मांड को जन्म देने वाली जगत जननी, हर आत्मा पर राज करने वाली वो परम शक्ति, वो आदि शक्ति हमारी रक्षा करेगी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अद्यकारिका परमेश्वरी स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अद्यकारिका परमेश्वरी स्वाहा। महाकाली, 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 दुर्गेश्वरी, ज्योतिश्वरी, कालीश्वरी, कामेश्वरी, सोमेश्वरी, भुवनेश्वरी, वीरेश्वरी, महाकाली, संगरिकाली, दक्षिणकाली, स्वाशनकाली, महाकाली, संगरिकाली, दक्षिणकाली, स्वाशनकाली, महाकाली। ओम नमो काली काली, ओम नमो काली काली, ओम नमो। माया, माया, महाकाली, महाकाली, महाकाली। जय काली माँ। तुझे मारी, ये तो फिर से आ गया। मेरे भांजे को मरवाने के लिए तूने ही माया को मेरे भांजे के साथ सेट करवाया था ना। ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग गलत समझ रहे हो। माया को अपनी झोली में डालने के लिए थैंक यू। माया आप उनकी जिंदगी में आ गए ना, अभी आप उनकी लाइफ डेंचैक।